नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा ठक्कर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेमोरी लॉस के बारे में, जो कि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में तो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन बड़ों में तो होती ही है। जैसे वो एज के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनको तब ये दिक्कत रहती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में ये दिक्कत होने लग गई है। उनको याददाश्त की कमी हो जाती है और जिनसे जो है उनकी मदर्स बहुत परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चों में देखो ये अभी से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो हम दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मेडिसिंस हैं, इन मेडिसिंस को लेके आप अपनी याददाश्त शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए कि हमें जो मेमोरी की जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है। जैसे कि कई लोगों की मेमोरी वीक होती है, वीकनेस होती है मेमोरी में, याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं दिमाग में, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, तो हम उसे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन में एक अच्छी मेडिसिन आई हैं, जो कि आप इनको लेंगे कॉन्टीन्यूसली 1 मंथ तक लेंगे तो इसके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपको देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स कितने अच्छे हैं, आपको कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है ये भी आपको पता लगेगा। लेकिन आपको ये मेडिसिंस कुछ टाइम तक लेनी होंगी, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि भी इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं बच्चों के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि जो बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ टिप्स लेके हो सकता है कि उनको टिप्स से कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहली टिप आती है कि भी जैसे बच्चे अगर कॉन्टीन्यूसली पढ़ते हैं तो कॉन्टीन्यूसली ना पढ़ें, ब्रेक ले लेके पढ़ें। जैसे कि आप 1 आवर आपने पढ़ा, उसके बाद आप ब्रेक ले दें, कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग एक तो थक जाता है और हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। दूसरा है दोस्तों बच्चों के लिए है कि भी बच्चे लिख लिख के याद करें। जैसे कि कोई टॉपिक है, आपको पहले लिख लो उसके बाद उसको याद करो, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको याद होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे थर्ड नंबर पे है प्रॉपर स्लीप लें, अच्छे से सोएं। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा और आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। चौथी टिप आती है बच्चों के लिए कि वो टाइम टू टाइम खाना खाएं, मतलब जैसे उनको भूख लगे वैसे ही अपना खाना खाएं और कोई भी कमी ना रहने दे, हेल्दी फूड खाएं। ये नहीं कि बाहर का उन्होंने जंक फूड खा लिया, नहीं, आपका घर का बना हुआ खाना खाएं, फ्रूट्स लें, मिल्क लें, ऐसी चीज़ें लें जिससे कि आपके ब्रेन को ज़रूरत हो। फिफ्थ टिप आती है दोस्तों कि भी आप मॉर्निंग में पढ़ें, मतलब जैसे कि रात में ना पढ़ें, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि दिन भर तो वो वैसे ही उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो वो दिन भर थके थके होते हैं। तो सबसे बढ़िया टाइम आता है मॉर्निंग का, आप सुबह 5 बजे उठें, उठने के बाद फिर पढ़ें तो देखिए कितना अच्छा कंसंट्रेशन होगा आपका और इससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं मेडिसिंस के बारे में, जो कि आप कॉन्टीन्यूसली 1 मंथ तक लेंगे तो आपको रिजल्ट इसके बहुत अच्छे भी मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है ब्राटा कार्ब 30। दोस्तों ये 30 की पोटेंसी की मेडिसिन है और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे जल्दी जल्दी भूल जाते हैं या उनको समझ नहीं आता। जैसे उनको एक टॉपिक दे दिया जाए और उसको समझने में भी इतनी देर लगाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, दोनों ही इस मेडिसिन को ले सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे जिन लोगों की एज बढ़ती है उन लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं। तो इसको लेना कैसे दोस्तों, 2 बूंद अपनी जीभ पे टपकानी है दिन में 3 बार। जैसे कि हमने ब्राटा कार्ब 30 ली और अपनी 2 जीभ पे 2 ड्रॉप्स अपने टपकानी है, दिन में 3 बार आप लेंगे। तो दोस्तों सेकेंड मेडिसिन आती है आपकी ब्रह्मी क्यू, मतलब इसका नाम लेंगे बाइकोपा मुनेरी, ये इसका शॉर्ट नेम है। तो ये याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, मेडिसिन है, जिनकी मेमोरी वीक हो जाती है या जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। और जैसे मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, आपके माइंड में ना रहे, आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए। तो ये बच्चे क्या ये बड़े भी ले सकते हैं, दोनों लें। तो दोस्तों आपको ये लेनी कैसे है, जैसे आप चाय वाला कप लेते हैं तो उसमें आप आधा कप पानी डाल दीजिए,
उसके बाद आपने 10 बूंद इस दवाई की डालनी है, ये तो लें बच्चे। और अगर बड़ों में ये प्रॉब्लम है तो दवाई की पोटेंसी को बढ़ा दीजिए, यानी कि 20 बूंद कर दीजिए, तो ये बड़े लें। ये भी आपको दिन में 3 बार लेनी है, आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। थर्ड मेडिसिन आती है दोस्तों कालीफास 30, ये है 230 की पोटेंसी की मेडिसिन। ये बहुत ही अच्छी ब्रेन टॉनिक है, ये बच्चे हों या बड़े हों दोनों ही ले सकते हैं। ये भी इसी चीज़ के लिए होती है कि जैसे जल्दी जल्दी भूल जाना, याद ना रखना, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसे भी दोस्तों दिन में 1 बार लें तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। दोस्तों ये मेडिसिन्स आपने कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ तक लेनी है, आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी मेमोरी लॉस की मेडिसिन्स। और अब बात करते हैं कि भी आपको इसके साथ अपने लेना है एक हेल्थ टॉनिक, जो कि बहुत ही बढ़िया हेल्थ टॉनिक है। इसका नाम है अल्फा वियाना माल्ट, जो कि बैक्सन कंपनी का है दोस्तों। ये आपने दोस्तों बैक्सन कंपनी का ही लेना है, ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है दोस्तों, क्योंकि ये हमने अपने क्लिनिक पे भी हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, तो इसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि एक कॉम्बिनेशन है ये, जो कि बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रोंग करता है। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे लें, ये बड़े भी ले सकते हैं। बड़े ये 1 चम्मच लें और छोटे बच्चे जो हैं वो दिन में इसको 2 बार लें, जैसे सुबह लें और शाम को लें, तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप देखेंगे कि जिन लोगों की मेमोरी वीक है तो उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आएगा। ये मेडिसिन्स के साथ साथ आप ये भी लें, जैसे मेडिसिन्स आपने 1 मंथ लेना है तो इसको भी लें, और धीरे धीरे आप इसके रिजल्ट देखें, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आपने स्टार्टिंग में देखना है कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ये तो मैंने 1 मंथ तक आपको बताया, 1 मंथ में आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन दोस्तों आपने इसको छोड़ना नहीं है, कॉन्टिन्यूसली आपने 4 से 5 मंथ्स तक इसको लेना है। आप मेडिसिन्स भी लें और ये साथ में हेल्थ टॉनिक भी लें, आप देखेंगे कि भी आपकी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन में, आपकी मेमोरी वीक में भी बहुत इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं बच्चों को एक अच्छी सी टिप देना चाहती हूँ, जो कि है, जो कि आप बच्चे क्या बड़े भी दोनों ही कर सकते हैं। बच्चों को सुबह 4 बादाम आपने भिगो के रखने हैं, आप रात भर भिगोएंगे, सुबह आपने बादाम छील करके उनको देने हैं, साथ में एक आंवले का मुरब्बा भी देना है और 1 गिलास आप उनको दूध देंगे। तो ये दोस्तों ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी हैं, और जैसे आने वाले एग्जाम्स जैसे बच्चों के आते हैं तो उसमें उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जो कुछ भी वो याद करते हैं उनको सब याद रहेगा। तो आप दोस्तों देखते ही हैं कि भी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो आप बच्चों को हल्दी वाला दूध पिलाएं, चाहे आप थोड़ी सी ज़रा सी भी हल्दी डालेंगे तो भी उनको वो फ़ायदा करेगी। गर्म पानी का यूज़ करें और काढ़ा पिए, तो बी सेफ बी हेल्दी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों मेरे चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।